नमस्कार, मैं हूँ जया प्रजापति और मिट्टी मनवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साबूदाने की खीर। इसे किसी भी उपवास या व्रत में खाया जा सकता है। इसे बहुत ही कम समय में घर पर आसानी से बना सकते हैं और ये खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए बनाते हैं साबूदाने की खीर। तरह तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले हम एक कटोरी साबूदाना लेंगे। अब इनको पानी में धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे। साबूदाना को हमने धो लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इन्हें 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। अब एक भगोनी में हम 1.5 लीटर दूध ले लेंगे। अब हम दूध को हिलाते हुए गर्म कर लेंगे। दूध हमारा गर्म हो गया है। हमने 1 कटोरी में थोड़ा सा केसर लिया है। अब 1 चम्मच दूध कटोरी में डाल देंगे जिससे केसर का कलर आ जाए। दूध उबल गया है। अब इसमें केसर वाला दूध डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूध में भीगे हुए साबूदाने डाल देंगे और दूध को अच्छे से हिलाते रहेंगे। हमें 2 उबाल आने तक साबूदाना को अच्छे से हिलाना है जिससे दूध फटे नहीं। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई बादाम डाल देंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए काजू डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच बारीक कुटी हुई इलायची डाल देंगे। अब इन सब को 5 मिनट तक उबाल लेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं और हमारे साबूदाने फूल गए हैं। अब हम इसमें 1/2 कटोरी शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे 2 मिनट तक और उबाल लेंगे जिससे हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, इसमें खुले खुले साबूदाने दिखाई दे रहे हैं। हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। व्रत व उपवास में खाई जाने वाली साबूदाने की खीर एकदम तैयार है। अब इसे सर्व करने के लिए अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमारी साबूदाने की खीर बहुत ही अच्छी बनी है। अब इसे बादाम, पिस्ता, काजू से गार्निश कर लेंगे। साबूदाने की खीर को आप अगर इस तरीके से बनाकर खाओगे तो आपका मन इसे बार बार खाने को करेगा। तो एक बार आप भी बनाइए और खाइए और अपने अनुभव मिट्टी मनवार पर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।